आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव को मनाने के भावरूप तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह द्वारा वडोदरा शहर की ऐतिहासिक पुलिस चौकी पर आज राष्ट्र ध्वज फहराया गया। हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक और सफल बनाने के तहत वडोदरा शहर में त्रिदिवसीय हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ छेड़ा गया है। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव को मनाने के तहत पिछले कई दिनों से वडोदरा शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं 13 से 15 अगस्त के दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरा वडोदरा शहर और नगरवासी मानो राष्ट्रमय राष्ट्र ध्वज के साथ लिपटे हुए एक राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। जहां वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह द्वारा वडोदरा की ऐतिहासिक पुलिस चौकी पर आज राष्ट्र ध्वज फहराते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक और सफल बनाया गया। जहां वडोदरा की अधिकतम ऐतिहासिक और सरकारी इमारतों पर राष्ट्र ध्वज फहराते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जा रहा है, जिसके भागरूप आज वडोदरा की ऐतिहासिक पुलिस चौकी के रख रखाव के साथ आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह द्वारा ये तमाम पुलिस चौकी पर राष्ट्र ध्वज फहराते हुए लोगों को अपने घर ऑफिस दुकान मकान हर एक जगह पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए अपील की गई थी। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा कैंपेन अंतर्गत हमें जो शहर पुलिस ने 13 हेरिटेज चौकीओ है इन्हें रेनोवेट कराया है अने एना ऊपर तिरंगा फरकाव्या है अने आ चौकी जे छे 1886 नी चौकी है, बहु मोट एटले 136 वर्ष जूनी चौकी है, इन्हें अमे रेनोवेट करा छे, जाळवी राखी छे अने आना ऊपर आज हर घर तिरंगा मुजब तिरंगा फरकाववामां आव्या छे।